आज से तकरीबन 1-2 साल पहले वन प्लस अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए ही जाना जाता था। वन प्लस ओनली अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर ही फोकस करता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से वन प्लस ने अपने 30,000 के नीचे जो स्मार्टफोन्स हैं, जो पोर्टफोलियो है, उसको एक्सपेंड करना शुरू किया है। तो इसी तरह का एक नया स्मार्टफोन वन प्लस ने अपने USA की मार्केट में लॉन्च किया है, जो कि है वन प्लस नॉर्ड N300। यह N200 का सक्सेसर है। तो आज हम इसी फोन की स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो वन प्लस नॉर्ड N300 को USA की मार्केट में सिंगल एक वेरिएंट में लॉन्च किया है। यहाँ पे 4GB रैम है प्लस 64GB स्टोरेज है। इसका प्राइस USA में $228 रखा है, इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो 19,000 के अराउंड प्राइसिंग है। प्राइसिंग ठीक है, ठीक रखी है। वैसे इंडिया में अगर आता है तो इसी प्राइसिंग में आएगा, तो प्राइसिंग अच्छी है। यहाँ पे फ़ोन में हमको 6.56 इंचेस की एक HD+ की डिस्प्ले मिलती है। 19,000 में ये लोग HD+ की डिस्प्ले दे रहे हैं, मतलब इंडिया में 10,000 में हमको फुल HD+ की डिस्प्ले मिल रही है आजकल काफ़ी सारे स्मार्टफोन में। सो फुल HD+ होनी चाहिए, अगर इंडिया में आए तो ये फुल HD+ के साथ में आए तो बढ़िया रहेगा, और शायद पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में ये लोग फुल HD+ डिस्प्ले ले आए तो अच्छा रहेगा। खैर, ये जो डिस्प्ले है यह IPS पैनल के साथ में आती है, एंड 90Hz का यहाँ पे उन लोगों ने रिफ्रेश रेट भी दे दिया है, एंड वाटर ड्रॉप नॉच यहाँ पे हमको मिल जाता है फ़ोन के टॉप साइड में। तो डिस्प्ले ठीक है, बस फुल HD+ रेजोल्यूशन होता तो ठीक रहता, बस यही है, डिस्प्ले में कोई खास नहीं है। यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन में हमको Dimensity का 810 मिल जाता है। प्रोसेसर ठीक है, प्रोसेसर जो है यह 5G को सपोर्ट करता है, 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है, अप टू 2.4 GHz की यहाँ पे क्लॉक स्पीड मिल जाती है, एंड कॉर्टेक्स A76 के यहाँ पे कोर्स है माली G57 के साथ में। तो प्रोसेसर यहाँ पे ठीक है गेमिंग वगैरह के लिए, प्राइसिंग के हिसाब से प्रोसेसर लोग ने ठीक सा हमको दे दिया है। फ़ोन में हमको कैमराज के लिए ड्यूअल रियर कैमरे मिल जाते हैं, मेन कैमरा 48MP का हमको यहाँ पे मिल जाता है, एंड सेकेंडरी कैमरा 2MP का एक डेप्थ सेंसर है। यहाँ पर हमको रियर में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, नाइट मोड मिल जाता है, ब्यूटी मोड है, काफ़ी सारे मोड्स हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। सेल्फी के लिए 16MP का सेल्फी कैमरा है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में यहाँ पे दिया गया है। तो कैमरा भी यहाँ पे आपको डिसेंट से मिल जाते हैं। फ़ोन में हमको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है 33W की सुपर वूफ चार्जिंग के साथ में। तो फास्ट चार्जिंग भी अच्छी है, तो बैटरी कैपेसिटी आपको यहाँ पे बढ़िया मिल जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर हमको एंड्रॉइड का 13 मिल जाता है, ऑक्सीजन OS 13 के साथ में। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे लेटेस्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे इसमें। इसी के साथ में यहाँ पे हमको 3.5mm का हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है फ़ोन में। फेस अनलॉक भी है, और फ़ोन में हमको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो यही है सारी स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन की। अगर ये इंडिया में आता है तो मेरे को लगता है 18-19,000 इसका प्राइस वन प्लस वाले रखेंगे, और 18-19,000 में ये फ़ोन ठीक रहेगा, बशर्ते यहाँ पे जो फुल HD+ डिस्प्ले दे दें तो बढ़िया है। HD+ भी ठीक है, बस फुल HD+ दें तो और अच्छा रहेगा, यही है। बाकी फ़ोन अच्छा है, अगर इंडिया में ये लोग 18-19,000 के रेंज में लॉन्च करें तो फ़ोन ठीक रहेगा। आई होप काफ़ी जल्द ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो, शायद ये नवंबर दिसंबर या जनवरी तक इंडिया में हमको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको इस फ़ोन के रिगार्डिंग अपडेटेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो यही थी छोटी सी वीडियो इस फ़ोन के रिगार्डिंग। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना इसी तरह की और वीडियोस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।